मैं हूँ काजी मोहम्मद आजम और हम उमर शाह चैनल से बोल रहे हैं। अनीस अमरोही जगजीत सिंह के बारे में इस तरह कहते हैं, हिंदुस्तानी मौसीकी का जादू पूरी दुनिया पर बरसों से चलता आया है। यही वजह है कि गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में भी यहाँ की मौसीकी को गैर ममालक में मकबूलियत हासिल रही है। बादशाहों के जमाने में भी मौसीकी के मुकाबले और प्रोग्राम हुआ करते थे और छोटे मोटे राजे राजवाड़े और नवाबैन भी मौसीकी रक्स और शायरी के दिलदादा हुआ करते थे। शहनशाह अकबर आजम ने तो अपने नौ रत्नों में एक रत्न के लिए फन मौसीकी के उस्ताद तानसेन का इंतखाब किया था। हद तो ये है कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों की कामयाबी की एक बड़ी गारंटी फिल्म की मौसीकी और इसके नगमे हुआ करते थे। एक जमाने में जब नौशाद अली की मौसीकी से सजी फिल्म रतन नमाइश के लिए पेश हुई तो इसके नगमों की मकबूलियत की वजह से फिल्म की आमदनी बोरियों में भरकर फिल्म साज के पास जाया करती थी। हिंदुस्तानी मौसीकी को आलमी मकबूलियत हासिल कराने में इसका सबसे बड़ा साथ दिया कवाली और गजल गायकी ने, और गजल गायकी में जो चंद नाम गुज़श्ता चंद दहाइयों में सबसे ज्यादा मकबूल रहे, इनमें बेगम अख्तर, उस्ताद मेहदी हसन और गुलाम अली के बाद जगजीत सिंह का नाम लिया जा सकता। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को सुबह राजस्थान के श्री गंगा नगर में पैदा हुए। इनके वालिद श्री अमर सिंह दैमन सरकारी मुलाजिम थे जो पड़ोस के सूबा पंजाब के दला गांव के रहने वाले थे। जगजीत सिंह की वालदा बचन कौर का तल्लक कोटालन गांव से था। इनके दो भाई और चार बहनें थीं और ये सब सिख मजहब को मानते थे। जगजीत सिंह ने इब्तदाई तालीम श्री गंगा नगर के खालसा हाई स्कूल में हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगा नगर से इंटरमीडिएट करने के बाद जालंधर के DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने तारीख के मजमून से हरियाणा की क्रोकश्तियर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनके दादा इनको IAS अफसर बनाना चाहते थे मगर खुदा ने इनको मौसीकी की दुनिया में नाम पैदा करने के लिए चुन लिया था और इसके लिए इनकी बेहतरीन सुरीली आवाज अदा की थी। चुल्ले अग ना कड़े दे विच पानी ओ छड़े आदि जून बुरी ओ छड़े आदि। एक बार वो अपनी बहन के पास चरू जिला के सहवा गांव गए हुए थे। वहां एक साधु ने इनकी आवाज सुनकर उनके बहनोई रतन सिंह से कहा था कि अगर इनका नाम जगप्रीत सिंह की बजाय जगजीत सिंह कर दिया जाए तो ये गायकी में आलमी शोहरत हासिल करेगा। दिली की कसम साखिया तुझको दरिया, दिली की कसम साखिया मुस्तकिल दौर पर दौर चलता रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, एक गिरता रहे एक संभलता रहे, रौनके मैं कदा यूं ही बढ़ती रहे, एक गिरता रहे एक संभलता रहे।
जगजीत सिंह ने बचपन में ही पंडित छगन लाल शर्मा से मौसीकी की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी थी, जो गंगानगर में बख्शी टाइप कॉलेज के पहले मंजिले पर मौसीकी का एक स्कूल चलाते थे। वहां दो वर्ष तक उन्होंने ख्याल, ठुमरी और दरबैत जैसे हिंदुस्तानी मौसीकी के इब्तदाई सबक सीखे और रियाज किया। बाद में साइना घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से मजीद तालीम हासिल की, जो उस्ताद मेहदी हसन खां के दूर के रिश्तेदार थे और ठाकर दत्त शर्मा की पान की दुकान पर तालीम दिया करते थे। में कनाडा में मुकीम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर अशोक सिंह ने एक सरकारी प्रोग्राम के लिए फैज अहमद फैज की शायरी को इनकी मौजूदगी में ही पढ़ने के लिए पाकिस्तान की मकबूल गजल गुलकारा मुनी बेगम को दिल्ली मदऊ किया था। ये प्रोग्राम हालांकि सरकारी था, मगर वजारत खाजा के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अंदो प्रकाश सिंह के मकान वाकया जाकिर हुसैन रोड के लान में चल रहा था। फैज अहमद फैज ने अपनी कई गजलें सुनाई और फिर मुनी बेगम ने फैज की कई गजलें इनकी मौजूदगी में गाई। दरमियान में उन्होंने एक वक्फा लेना चाहा तो अशोक सिंह ने बम्बई से आए अपने एक दोस्त जगजीत सिंह को फैज की गजल पढ़ने के लिए माइक पर मदो कर लिया। सामेईन के लिए ये एक नया नाम था, मगर जब जगजीत सिंह ने गजल पढ़ी तो माहौल बदल चुका था। इस खूबसूरत नौजवान से गजल सुनकर लोग इतने मुतासर हुए कि फरमाइशें होने लगीं और चार गजलों के बाद ही मुनी बेगम को दोबारा मोर्चा संभालने का मौका मिला और मुनी बेगम ने कहा कि जगजीत सिंह की आवाज में फैज साहब को सुनना अच्छा लगा। प्रोग्राम के आखिर में फैज साहब ने खुद जगजीत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि ये नौजवान गजल गायकी में बहुत बुलंदियों तक जाएगा और फैज साहब की ये पेशीन गोई सच साबित हुई। खास साहब, मेहंदी हसन साहब ने बहुत अच्छी गाई हुई गजल, ये मैं कहूँगा कि उनकी बेहतरीन गजलों में एक गजल है। मैं कोशिश करूँगा कि वैसे तो नहीं गा सकता लेकिन आसपास जगजीत सिंह 1965 में मुंबई गए और अपनी सच्ची लगन, मेहनत, रियाज और पुरखलूस रवैये से कामयाबी की तरफ गामजन हो गए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। 1967 में जगजीत सिंह ने चित्रा के साथ मिलकर गायकी की जोड़ी बनाई और जगजीत सिंह चित्रा सिंह के नाम से गाते रहे। I'm not afraid to die.
दो साल के इस ताल्लुक को उन्होंने दिसंबर 1969 में शादी में तब्दील कर लिया और ये हिंदुस्तान की पहली कामयाब मियां बीवी वाली मकबूल तरीन गजल गायकी जोड़ी बन गई। जुलाई 1990 को जगजीत सिंह के अकलौते जवान बेटे विवेक का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। इसके बाद चित्रा सिंह ने पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा लेना छोड़ दिया मगर जगजीत सिंह बराबर प्रोग्राम करते रहे। इन दोनों की एक साथ गाई हुई गजल एल्बम समवन सम वीर थी। मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई यार है, सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई यार है, मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई यार है। गजल गायकी के साथ साथ जगजीत सिंह ने फिल्मों में प्ले बैक सिंगिंग के लिए भी जद्दोजहद शुरू कर दी और 1966 में पहली बार फिल्म जख्म जो आपकी अनायत है के लिए एक गीत गाया। इसके बाद फिल्म बहरूपी के लिए गुलकारी की और 1973 में फिल्म अशकार के लिए बाबल मोरा नहर छोटू ही जाए गाया। बाबल मोरा बाबुल मोरा मोरा नैहर छोटो बाबुल मोरा बाबुल चार कहर मिल मोरी डोलिया सजा, चार कहर मिल मोरी डोलिया सजा, होना अपना बेगाना। 1979 में उन्होंने कफील आदर अमरोही की एक नज़म बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी रिकॉर्ड कराई जो बाद में फिल्म गुरुप्रदेश प्रदेश में शामिल हुई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर
दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। इस नज़म से जगजीत सिंह को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई और 1980 में फिल्म एक बार कहो के लिए कोई गेसू कोई आंचल हमें आवाज न दो गाया, मगर इनको सबसे कामयाबी 1981 में फिल्म प्रेम गीत के नगमा होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो से। इस फिल्म की बैकग्राउंड मौसीकी भी जगजीत सिंह ने ही तरतीब दी थी। बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, इसके बाद 1982 में सितम सात सात और अर्थ फिल्मों से तो जगजीत सिंह ने गजल और मौसीकी की शहदाइयों के दिलों में राज करना शुरू कर दिया। महेश भट्ट की हदायत में बनी फिल्म अर्थ के चंद नगमों में कैफी आदमी ने बेहतरीन नगमा नगारी की थी और जगजीत सिंह ने बेहतरीन गुलकारी। ये नगमे आज भी दिलचस्पी से सुने जाते हैं। तो ये ख्याल जिंदगी तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल झुकी नजर झुकी 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 सी नजर करार लेते नहीं ससली। 1988 में जब गुलजार का टीवी सीरियल मिर्जा गालिब नशर हुआ तो एक बार फिर जगजीत सिंह के नाम की धूम मच गई। इस सीरियल के लिए मिर्जा असदुल्ला गालिब की सब गजलें जगजीत सिंह की आवाज में रिकॉर्ड की गई थी और सब की सब बहुत मकबूल हुई। इसके बाद 1991 में अली सरदार जाफरी के सीरियल कहकशां के लिए भी उन्होंने मौसीकी तरतीब दी और गुलकारी भी की। इसी के साथ 1991 में ही लता मंगेशकर के साथ उनकी गजलों की एल्बम सजदा रिलीज हुई जो बेहद मकबूल रही। इसके अलावा इनकी मकबूल तरीन एल्बम्स में ए साउंड अफेयर, बियॉन्ड टाइम्स, आईना, सर्च, फेस टू फेस, एटर्निटी, एक्सेटेसिज, सोज, मुंतजर, जज्बा, आईना वगैरह काफी मकबूल रही और अवामो खास में बेहद पसंद की गयी। जगजीत सिंह ने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और नेपाली जबानों में बहुत से नगमे गाए, मगर इनकी खास शनाख्त उर्दू गजल गायकी में रही। इनके फिल्मी और गैर फिल्मी एल्बम्स की तादाद 70 से ज्यादा है। इनकी गाई हुई गजलों में सरकती जाए ऐ रुख से नकाब आस्ता आस्ता, कल चौदहवीं की रात थी, शब बल रहा चर्चा तेरा, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो वगैरह बहुत मकबूल हुई। उन्होंने मिर्जा गालिब के अलावा फराग गोरखपुरी, कतील शफाई, फैज अहमद फैज, अमीर मीनाई, कफील आदर, अमरोही, शाहिद कबीर, सरशन फाकर, निदा फादली, जका सदीकी, नजीर बाकरी, फैज रतलामी और राजेश रेड्डी जैसे शहरों की गजलें बड़े खूबसूरत और दिलकश अंदाज में गाई हैं। 2003 में जगजीत सिंह को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण के एजाज से नवाजा गया। जनवरी 1998 में जगजीत सिंह को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने सिगरेट नोशी तर्क कर दी थी। अक्टूबर 2007 में दौरान खून की प्रॉब्लम की वजह से इनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। 23 सितंबर 2011 को जगजीत सिंह को ब्रेन हैमरेज की वजह से बांद्रा के लैलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो दिमाग की सर्जरी के बाद ICU में दाखिल रहे, मगर इनकी हालत में कोई खतरा अफाका न हो सका और आखिरकार 10 अक्टूबर बरोज पीर 70 वर्ष
की उम्र में उन्होंने दाई अजल को लबैक कहा और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। फनून लतीफा की दुनिया उदास हो गई, एक खूबसूरत दिलकश आवाज हमसे जुदा हो गई। अपनी रेशमी आवाज से गजलों में रूह फूंकने वाला फनकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। खुदा हाफिज़।